तो पहला तो फतेह प्रवान करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी जिन्हों तो इंसाफ मंग रहे हैं सानू समझना पैना उहदा खाका की आ। एक तो है सूबा सरकार जिहदे विरुद्ध असी लगातार लड़ रहे हैं, असी सरकारां बदल के भी वेख लिया है ते इंसाफ फिर भी नहीं मिल रहा ते असी लगातार दबाव बना रहे हैं। ते दूजी गल है जिहड़ी इत्थे जिहड़ी भारतीय स्टेट आ ते भारतीय स्टेट तो जे न्या करवाना है लेना है तो सानू देखना पैना घबराउंदी कित्थों। एक तो वह घबराउंदी आ थोड़ा जो तुसीं उहदी पक्की याद बनाउने आ पक्का कोई स्मारक बनाउने आ क्योंकि थोड़े ते जुर्म करदी आ ते उह पर जुर्म दी याद ढाउण च रहिंदी आ इतिहास ढाउण च रहिंदी आ। आपां वेख्या दरबार साहब ते उन्होंने बड़ी छेती कोशिश कीती कि अकाल तख्त साहब दे जिहड़ी बिल्डिंग आ उहनूं शहीद करन तों बाद कंप्लीट कीता जावे, उत्थे कोई भी निशान गोलियां दे सारिआं दे सीमेंट फेरता। सो मैं यह बेनती करदा कि एक तां असीं इत्थे पक्का समारक बनाईए ते सारे पंजाब भर चों पिंडां नूं बेनती करिए कि उह 10-10, 20-20, 40-40, 100-100 इट लै के आउण ते इत्थे समारक बनाया जाऊगा कि साडे नाल बेइंसाफी होई आ। ते दूजा देखना पैना उन्हां नूं साडी लोड की आ। साडी दो लोड़ां, एक असीं अनाज पैदा करके दिंदे आ ते दूजी जिहड़ी वार वार गल हुई असीं बार्डरां ते लड़दे आ। ते मेरे सामने मैं देख रहा कि एक सर्विसमैन बैठे आ, इन्हां दीआं जत्थेबंदियां बैठियां ते जिहड़ा साडा मुख गवाह वी आ इत्थे भाई गुरसेवक सिंह फौजी, उह वी एक सर्विसमैन आ। ते सानूं चाहीदा कि एक सारे जिहड़े एक सर्विसमैन आ उन्हां दी कमेटी बनाई जावे। पहली तां मंग इह आ कि मैं देखदा भाई गुरसेवक सिंह वार वार कहिंदे आ कि मैनूं धमकियां आउंदियां, तां उह कमेटी बेनती करे वी घट्टो घट्ट जिहड़ी गुरसेवक सिंह ने बार्डरां ते इन्ना चिर जिम्मेवारी दित्ती आ उहदी जिहड़ी रेजिमेंट आ उहदे बंदे दो देवे राखी करने, असीं सानूं नहीं इन्हां दी मंजूर पुलिस दा। ते दूजी उह जिहड़ी अपनी कमेटी बणे उह सिद्धी तरह इन्हां नूं कह देण कट्ठे हो के वी भाई जे तां इंसाफ करना वेख लो, नहीं बार्डर ते लड़न वास्ते फिर उह जिहड़े प्रेमी प्रूमी आ ते जां जिन्हां ने कीती आ उहनां नूं ला लो साडा हथ खड़े आ, इन्हां कम्म कर लो। मेरे हिसाब च चीकां मारदा इत्थे अमित शाह आऊगा इंसाफ देण। सो इन्नी क बेनती आ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।